30 तारीख संसद के इतिहास का वो काला दिन था जब सदन में सारी मर्यादाएं तार तार हो गई, जब बजट सत्र पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने जातिगत टिप्पणी की, जिसके बाद हंगामा हो गया और कांग्रेस एक्शन के मूड में है। क्या बुरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी के तीसरे टर्म की सरकार डगमगा रही है, परेशानी पर परेशानी आ रही है। पहले सत्ता में समर्थन कम हो गया, फिर मोदी को हटाने को लेकर बीजेपी में नाराजगी भी देखने को मिली। इसके साथ ही साथ यूपी में सत्ता परिवर्तन को लेकर एक महीने से शह और मात का खेल भी जारी है और मोदी शाह को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जिस तरह से पिछले 10 साल गुजरे हैं, उसके उलट तीसरे कार्यकाल का समय गुजर रहा है, क्योंकि कांग्रेस 50 से 99 पर है और अब बीजेपी 302 से 240 पर है। यही आंकड़ा मोदी को पसीने दिला रहा है। इस बजट में मोदी 2 बैसाखियों पर है और बजट में दिखा भी कैसे आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष व्यवस्था की गई, तो इधर राहुल गांधी अलग ही रंग में दिखाई दे रहे हैं और अपने 2 भाषणों से मोदी की खटिया खड़ी कर चुके हैं। सोशल मीडिया में राहुल और नरेंद्र मोदी के भाषण की तुलना की जाए तो आसमान जमीन का अंतर है। इसी बीच 30 तारीख को एक बड़ी घटना घटी और इस घटना ने बीजेपी को फिर परेशानी में डाल दिया और कहने वाले कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने सेल्फ गोल करके बीजेपी और मोदी का बड़ा नुकसान कर दिया। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, इस सर माइक नहीं है, सर एक माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम ले तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने क्या संसद में हुआ। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी जोरदार पलटवार किया। आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है वे। केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन लो। अब इसी को लेकर कांग्रेस एक्शन में है और अनुराग ठाकुर बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली है। उसी कड़ी में खबरों की माने तो कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ विशेष अधिकार का नोटिस दिया है। नोटिस चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया है। ऐसा है कि कल हिमाचल से अनुराग ठाकुर जी ने एमपी हैं, जो उन्होंने जो अपनी स्पीच दी है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल शब्द बोले और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि माननीय नहीं है और जिनको लोकसभा के स्पीकर साहब ने अपने वहां से एक्सपंज कर दिया है। जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसको बाद दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है। जो कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का दलित, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी से लड़ाई क्या है? क्यों आप जो उनकी बात होती है उनको बुरी बात ज़्यादा प्रमोट करते हैं? इसलिए मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दिया है और जो स्पीकर साहब अगर उनको
मानेंगे तो कल बैठे। अगर ये साबित हुआ तो अनुराग ठाकुर को जेल जाना पड़ सकता है। हम यहाँ पर बताते हैं कि आखिर विशेषाधिकार हनन क्या होता है। विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि इन अधिकारों का मकसद होता है कि वो प्रभावी तरीके से अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर सकें। सदन में के अंदर जब इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारियों के खिलाफ कोई काम करता है तो उसे विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति या फिर प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से संसद में सदस्यों और सामूहिक रूप से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना करता है या उन्हें चोट पहुंचाता है तो इस विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। सदन में अगर कोई सदस्य ऐसी टिप्पणी करता है जिसे संसद की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में उसे सदस्य पर संसद की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर से इसके लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहा जाता है। इस नोटिस के आधार पर ही स्पीकर की मंजूरी के बाद सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है। ये प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जैसे इस बार चन्नी ने दिया है। लोकसभा नियम पुस्तक के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा की नियम पुस्तिका के अध्याय 16 के नियम 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करते हैं। इसके मुताबिक सदन का सदस्य अध्यक्ष या सभापति की सहमति से एक सवाल उठा सकता है जिसे सदन या किसी समिति के विशेषाधिकार अधिकार का मामला शामिल है। संविधान विशेषज्ञों की माने तो सांसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उनका मूल उद्देश्य सत्ता को किसी भी हाल में बेलगाम होने से रोकना है। नियमों के मुताबिक स्पीकर या राज्यसभा के सभापति जांच करने के लिए 15 लोगों की टीम बनती है। ये कमेटी जांच करती है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सही है या नहीं। विशेषाधिकार समिति अगर किसी भी सदस्य को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाती है तो वो सजा की सिफारिश कर सकती है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये होती है कि संसद में पेश विशेषाधिकार प्रस्ताव आमतौर पर अस्वीकार कर दिए जाते हैं, क्योंकि कोई अपनी सरकार के खिलाफ जांच क्यों कराएगा। और अनुराग ठाकुर का मामला तो बीजेपी का ही है, विशेषाधिकार बीजेपी के खिलाफ है। अब तक केवल कुछ ही मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अब तक पारित सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रस्तावों में से एक साल 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ था, जिसमें इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था, फिर गिरफ्तार भी किया गया था। अगर कांग्रेस का विशेषाधिकार नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुराग ठाकुर जेल भी जा सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे ठाकुर का क्या होता है, वो जेल जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। वैसे इस पूरी खबर पर क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।